उज्जैन में संपत्ति विवाद को लेकर हुई पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम की हत्या के बाद में परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं पर पिछले 11 दिनों से इस मामले की जांच भी चल रही थी। मंगलवार रात को 10 बजे प्रशासन और पुलिस और नगर निगम का अमला गुड्डू की जो होटल है प्रेसिडेंट और ब्लू स्टार, वहां पर पहुंचा और उसे सील करने की कार्रवाई करी। दोनों होटलों में ठहरे यात्रियों को दूसरी होटलों में शिफ्ट करवा दिया गया है। दरअसल 11 अक्टूबर को वजीर पार्क में रहने वाले पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम की घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूरा मामला संपत्ति के विवाद से जुड़ा हुआ था और हत्या के साथ ही यहां पर प्राणघातक हमले और षड्यंत्र में पूरे परिवार के कई लोग शामिल थे, जिसके अंदर 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पर एक की तलाश लगातार जारी है। इसी बीच रात में अचानक प्रशासन और तहसीलदार रूपाली जैन, निगम का अमला या और नीलगंगा थाना पुलिस की टीम इंदौर रोड व हरिफाटक ब्रिज मार्ग पर स्थित प्रेसिडेंट और महाकाल थाना क्षेत्र के कोट मोहल्ला चौराहे पर स्थित होटल ब्लू स्टार को सील करने के लिए पहुंचा और यहां पर सील करने की कार्रवाई की गई। दोनों होटलों में ठहरे यात्रियों को दूसरी होटलों में शिफ्ट करवा दिया गया है। थाना प्रभारी विवेक कनोड़िया ने यहाँ पर बताया है कि गुड्डू कलीम के शहर में 3 से 4 बड़ी होटलें हैं, जिनकी आय को लेकर आगे कोई विवाद की स्थिति ना बने, इसको लेकर इन्हें सील करने की की जा रही है। विगत दिनों पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम की हत्या हुई थी, जिसमें उनकी पत्नी और बच्चे आरोपी हैं। यह होटल उन्हीं के परिवारजनों के नाम पे थी, जिसमें उनके पुत्र के द्वारा आवेदन दिए जाने पर आज यह सील की गई है, और ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और अवैध आधिपत्य न हो। इसके अलावा भी एक और होटल है, वो भी सील किया जा रहा है। ये प्रेसिडेंट होटल है, इसके अलावा ब्लू स्टार होटल है, उसे भी सील किया जा रहा है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।